अबे ऐसे तो खाली है, एक कौन से के गाड़ी पीछे लाइट की तरफ इधर लाइट से थोड़ा राइट, सामने भी थोड़ा थोड़ा चेंज करो, बैकड्रॉप पे आ जाओ, लुक मस्त है, लुक मस्त है। सेल्फी वाले आ गए टेबल बाइक बाइक के लिए बाइक सर सर बोलो मैडम आपके सामने सामने बस बस मैं राजा जाऊँ हटू बस बस राजा ले राजा राजा ले राजा ले राजा तुमने बोलना राजा नहीं है इकड़े इकड़े सामने सामने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आइए आइए यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे देखो सामने थोड़ा पुड़े आ जरा पुड़े यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैम सामने 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 मैम यहाँ पे सामने यहाँ पे थैंक यू मैम यहाँ पे ये था थैंक यू करना है एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैडम एक यहाँ पे स्ट्रेट वीडियो के लिए अभी चलो राजा भाई फर्स्ट फ्लोर रेट देख लो भाई मैम इधर
आई ट्राई बोर्ड में छोड़ना। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई किसके हाथ से मारो, ये कहाँ था? जल्दी पहले आओ। थोड़ा सामने 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 अरे इकड़े पहला। मैम यहाँ पे भी देखो, मैम यहाँ पे देखो। थैंक यू, चलो थैंक यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस इधर से देखो, सामने 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 बहुत बड़ा फैन है मुकेश। मुंडे जी मुंडे, अभी सेंटर सेंटर तो वही था। आप आया कि नहीं आज? यहाँ पे आके रमेश भाई, यहाँ पे माइक कौन हो जाए? दोनों का साथ में, दोनों का दोनों का दोनों दोनों साथ में दोनों। क्या बात है, कर लो पहले आगे। सामने 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 सर, रुपया इधर एक बार सर, रुपया सामने चले गए यहाँ पे राइट सर। आजकल कुछ बोलता नहीं सर जी, एक फोटो चाहिए, फोटो चाहिए आपके साथ। चलो 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे, यहाँ पे इधर सेंटर सेंटर आग लगा डाला, यहाँ पे सेंटर सेंटर बोल बोल दूर मत निकलो भाई। अरे वो कैसे हटेगा किचन? सोलो 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 ये तामर है भाई, ये तामर है। अरे क्या कर लेते, केक कर लेते। ओके ओके भाई, खराब हो गया। दोनों साथ में, दोनों साथ में, दोनों साथ में। टेबल अलग से मंगा लो, दोनों साथ में दोनों का सिंगल हो गया उनका। मंगाया मंगाया, हां।
मैम इधर देखो, पहले सामने, इधर इधर मैम, इधर लेफ्ट रोमियो यहाँ पर। अरे पहले सामने वाला काम बने फिर बाद में। सामने देखो रोमियो, इधर लेफ्ट लेफ्ट, मैडम लेफ्ट, थैंक यू रोमियो लेफ्ट, रोमियो रोमियो सामने देखो, थोड़ा कर लेते हैं। सक्सेस मिला आपको, आपके इस म्यूजिक वीडियो को दिखाना और 1 मिलियन क्रॉस कर लिया, कितनी बड़ी बात है, इंस्टेंट सक्सेस मिला आपको इस चीज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, मेरे बर्थडे पार्टी का, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी मेरे बर्थडे पार्टी के आने के लिए। एंड आज ही हम लोगों ने दीवाना का टीजर रिलीज किया है, एंड फितूर ऑलरेडी 35 हो गया है, 35 मिलियन क्रॉस कर चुका है, तो उसके सेलिब्रेशन में भी थॉट पार्ट टू आना चाहिए फितूर का। एंड सबने इतना मैसेजेस किए मेरे को कि पार्ट टू चाहिए, पार्ट टू चाहिए, इतनी सैड एंडिंग नहीं हो सकती, हैप्पी एंडिंग चाहिए। दैट इज़ वाई हम लोगों ने दीवाना बनाया। एंड कुछ है आप लोगों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और फितूर के अंदर चाहूंगा कि राइटिंग के यहां पे कोई मिस्टीरियस गर्ल है जिसके बेसिस पे आपको गाना को डिस्क्लोज किया, कौन है वो और क्या कहना चाहेंगे आज स्पेशल ओकेजन है तो? आई थिंक पिछले 3 दिन से अब से क्लिप मेरा वायरल हुआ है कि मैंने गाना किसी के लिए लिखा है। मेरे को हर जगह यही क्वेश्चन आ रहा है कि कौन है लड़की, उसका फर्स्ट अल्फाबेट बता दो, पिक्चर शेयर कर दो। पर मैं यही बोलूँगा कि उसका, उसको लेके मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है, एंड इतना प्यार से उसके लिए मैंने इतने गाने लिखे हैं, अब दीवाना भी उसके लिए लिखा है, एंड अब वो रिलीज़ होगा। अब उसको मालूम तक नहीं है कि मैंने फितूर उसके लिए लिखा है, और ना ये मालूम है कि दीवाना उसके लिए लिखा है। जब उसको ही नहीं पता कि मैं प्यार करता हूँ उससे, ये गाना उसके लिए लिखा है, तो उसका नाम कैसे बोल दूँ बाहर? आई थिंक वो सीक्रेट रहेगा तो बेहतर है। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं इनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। और क्या पूछा था आपने? एवरीथिंग, आई थिंक ऑनेस्टली एवरीथिंग अबाउट हिम इज वेरी लाइक गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, यस। और इनके साथ काम करके मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि हम दोस्त हैं, वी आर नाउ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फाइनली आई सेड इट, एंड बस हम सेट में मस्ती करते थे और अभी भी वी शेयर द सेम बॉन्ड लाइक टिल टुडे, सो या होपफुली। तो रोमियो का क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी सारी मीडिया आपको कवर कर रही है, इतनी मीडिया तो खान लोगों को भी कवर नहीं कर पा रही है, तो आपको कवर कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बस आप लोगों का प्यार है, एंड अभी भी सपना लग रहा है मेरे को, आज सुबह जब से मैं उठा हूँ टीजर लॉन्च हुआ है, ऐसा लग रहा है दिस इज़ लाइक अ ड्रीम मेरे लिए। इतने सारे लोग, इतने कैमराज, ये सोच के ही ना गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को राइट नाउ। बहुत ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड, वैसे आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को इतना प्यार देते हो आप लोग, एंड गाने के बारे में इतनी अच्छी रिव्यूज़ दिए आप लोगों ने, तो बस ब्लेस्ड फील करता हूँ। म्यूजिक वीडियो तो आपका हिट हो गया, अब क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे चल के, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, फिल्म्स, व्हाट इज द थिंग यू वांट टू एक्सप्लोर? सो एक मूवी का काम चल रहा है, वो भी आ जाएगा तो फिर वो भी अनाउंस कर देंगे, पर आएगा, मूवी आ रही है। तो मैम के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? मैम इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी हॉट है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू मैम, तो देख के आपने कोई गाना नहीं बनाया? तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कामे के साथ वर्क करके, ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं कि को स्टार है, ऐसा कुछ ऐसे टैंट्रम कुछ सही नहीं, इट फेल्ट लाइक मेरी दोस्त है, एंड हम लोग जब मिले थे फर्स्ट वर्कशॉप में वी वर स्ट्रेंजर्स, एंड अभी यहाँ तक आते आते बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। आप दोनों ने बोला, आप दोनों ने बोला बेस्ट फ्रेंड्स। आपको इंस्टेंट फेम मिला है, लेकिन जो फेम को अटेन करना और फेम को वो कैरी फॉरवर्ड करना रखना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे राहुल रॉय का एग्जांपल ले लें,
आशिकी में इतना फेम मिला उनको, इतना बड़ा नाम हुआ था, फिर शायद एक गैप आ जाता है, तो वो तो नहीं, वो कैसे मेंटेन करने वाला आगे, तो आगे चल के? मेरा फोकस तो फेम पे है ही नहीं फिलहाल, तो मेरा फोकस है नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है. बट एज एन एक्टर एंड एज अ म्यूजिशियन आई एम मोर फोकस्ड क्रिएटिविटी पे मेरे, कि मेरा रोल इज कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन करूँ और उनको म्यूजिक दूँ, एक्टिंग दूँ, बाकी सब तो आई थिंक इट्स ऑल ऑडियंस पे और आप सब पे, वो सपोर्ट फेम वो आप लोग ही देते हो, मैं तो बस क्रिएटिविटी दे सकता हूँ यहाँ पर. Who is the celebrity who inspired you? I mean, there are a lot of people in the industry, from Khan to Kumar to Kapoor. Someone as an individual who inspired you? The camera. Inspire. Any one quality of Shahrukh Khan. Shahrukh, what is the Shahrukh quality or top? Shahrukh, what is the thing that you are watching? The romance. I think every Indian. I think pure world mein, aaj logon ne romance seekha hai. To ye pose kar kar hi seekha hai. तो आई थिंक सर ने, शाहरुख सर ने जो रोमांस दुनिया को सिखाया है ना, वो ही हैज चेंज रोमांस के डेफिनेशन लोगों के. एंड रियलिटी शो इज अ बिग मीडियम, मतलब वहां भी पार्टिसिपेट करना, बिग बॉस इज अ बिग मीडियम, उसका शो का हिस्सा बनना चाहेंगे अगर यू गेट अपॉर्चुनिटी? आई थिंक जहां भी मेरे को अपना क्रिएटिविटी दिखाने मिलेगा, एक्टिंग करने मिलेगा, गाना गाने मिलेगा, मैं वहां पर हर जगह पहुंच जाऊंगा. बट इतने मल्टी टैलेंटेड है आप, उसको बताइए कैसे टर्न आउट करेंगे, कैसे आप आगे निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा फायदा होगा आपको इस चीज़ के लिए? आई थिंक प्लस तो है कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, टच वर्क के एक्टिंग भी करता हूँ, म्यूज़िक भी बनाता हूँ, म्यूज़िक सिंग गाना भी गाता हूँ, सो वो प्लस पॉइंट तो है मेरे पास. बट एज आई सेड पहले के इंटरव्यूज़ में भी, अगर आप लोगों का प्यार नहीं है, ऑडियंस का प्यार नहीं है, तो सारे सारे टैलेंट वेस्ट है. अच्छा केक केक सिन केक सिन सर मैंने थोड़ा सा मूवी का भी देखने मिलेगा आपको. फैंस की डिमांड है आपको काव्या जी के जोड़ने भी के साथ. 2020 सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे रोमियो, और उसके साथ साथ तेरा फितूर की कामयाबी, इनको बहुत बहुत मुबारक हो. उसके बाद तेरा दीवाना जो है वो आज टीज़र लॉन्च हुआ है, उसके बाद परसों आप गाना भी देखेंगे. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोमियो के साथ काम करने का, कामिया के साथ काम करने का, और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट हमने देखा तेरा फितूर, जो हमारा बहुत पसंद किया गया. अभी आप देखिए लोगों की मांग पर तेरा दीवाना भी आ गया है, तो आप देखेंगे तो उसमें और आपको एक डिफरेंट रोमियो दिखेगा उसमें, जो आप परसों डेफिनेटली देखने वाले हैं. फिल्म लेकर कब बनाने वाले? फिल्म देखिए, पिछली बार जब हमने तेरा फितूर बनाया था, आप लोगों ने कहा कि अगला गाना कब आने वाला है, तो ले आए. अब आपका क्वेश्चन आया है कि फिल्म कब बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि बनाई जाए, कोई ना कोई फिल्म ज़रूर बनाई जाए, और जल्दी कुछ ना कुछ तो करेंगे, थोड़ा सोचते हैं. आपसे थॉट प्रोसेस शुरू हो गया, जैसे आपने पेश किया अपने मीडिया में, खासकर द काइंड ऑफ यू नो पब्लिक रिलेशन स्किल्स यू यूज्ड, एंड इंस्टेंटली जो आपको फेम मिला है, उससे कितना सीखने को मिलेगा नए लोगों को कि यू नो हाउ टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन? मैं ये स्किल नहीं समझता हूँ, मैं आई थिंक जो मैं हूँ वो सामने हूँ आपके, एंड आप लोगों ने वही प्यार दिया है मेरे को, इसलिए आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नया गाना रिलीज का टीज़र रिलीज कर रहे हैं, आज दो दिन में गाना भी आ जाएगा. तो मैं बोलूँगा कि ये स्किल कुछ ऐसा सोच के प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है, इट्स जस्ट मैंने गाना बनाया, शूट किया, हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया, आप लोगों ने प्यार दिया, इट्स बेसिक हमारे लिए. एक्चुअली मेरे लिए कोई एक इंसान नहीं है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ थोड़ा इसका मुझे हर किसी एक इंसान से इंस्पिरेशन मिलता है, बट मैं करती वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है एंड ऑफ द डे, लाइक जो मैं करना चाहती हूँ. पर आपको लाइक यहाँ पे और बाहर लाइक इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो लाइक हर एक चीज़ किसी ना किसी की आपको अच्छी लगती है, तो बस वैसे ही है. One more thing, like Kangana is very blunt and outspoken. So industry में रहने के लिए आपको लगता है कि blunt और outspoken होना ज़रूरी है? I mean, in order to get that kind of attention.
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. थैंक यू. फंसाने वाला सवाल. थैंक यू.